हेलो डे स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू किए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन इन अडल्ट ड नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज ऐसा क्यों होता है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर वो है बी एपीफाइशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट दो हजार सोलह के अंदर फेज वन में आया था क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान किसका प्रीकर्सर है जो कि एक अमाइनो एसिड है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है डी मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्ट जिनका मतलब होता है कि इफेक्ट जिनका हो टू इस दर? तो सी जो है वो एंटागोनिस्ट का ऑप्शन नहीं है ये हॉर्मोन आप, आपस के अंदर एंटागोनिस्ट नहीं है बाकी जो इंसुलिन ग्लूकागोन ब्लड शुगर से इनका रिलेशन है पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन इनका कैल्शियम से रिलेशन है तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है लेकिन जो सी रिलैक्सिन और इनहिबिन ये एंटागोनिस्ट नहीं है नेम में पेप्टाइड हॉर्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइड्स एडिपोसाइट्स एंड इनहेंसीज सेलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन तो ऐसा कौन सा हॉर्मोन है इंसुलिन जो ए ऑप्शन है वो राइट right है क्योंकि जो इंसुलिन है ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है कम करता है कम कैसे होंगी क्योंकि वो इसका यूटिलाइजेशन करवाता है प्रॉपरली तो ए इसका राइट right आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबोलिज्म तो जो एल्डोस्टीरोन है इसका ब्लड शुगर लेवल से कोई रिलेशन नहीं है तो बी इसका राइट right आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड कह रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि बनता तो कहीं और है लेकिन वो स्टोर और रिलीज किया जाता है मास्टर ग्लैंड जो कि ग्लैंड है जो ए है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन ये एक पेप्टाइड हॉर्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथिसाइज किया जाता है लेकिन स्टोर होता है मास्टर ग्लैंड यानी पिटोरी ग्लैंड के अंदर ए इसका राइट right आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकोरेक्टली मैच्ड ग्लूकागोन बीटा सेल्स सोर्स तो एक गलत है पहला ही ऑप्शन इनकोरेक्ट ली है क्योंकि जो ग्लूकागोन है वो एल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है वही इसका सोर्स है ठीक है तो ए इसका राइट right आंसर है बाकी सब जो मैच हैं वो करेक्ट हैं सिर्फ ए ही इनकोरेक्ट था यही पूछा था फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय तो जो बी है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ये इसका राइट right आंसर है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ तो इसका राइट right आंसर है पैराथोर्मोन ए ऑप्शन क्योंकि ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इसका रोल ही ये होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करे मेंटेन करके रखे इन द हुमैन फीमेल मैस्टुरेशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तो सीज ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टिरोन इनके कॉम्बिनेशन से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं इन हुमैन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन तो जो डी है इसका राइट right आंसर है काजिज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन और ये पोस्टीरियर पिटूटेरी द्वारा सिक्रियट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिटेरी हॉर्मोन नोन एज तो इसका राइट right आंसर है एफ एस एच फोलिकल स्टेमुलेटिंग हॉर्मोन विच हॉर्मोन काजिज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेसिस तो जो एड्रीन है वो इसका राइट right आंसर है सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकता है विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज द इमीडिएट काज ऑफ मेस्टूरेशन तो जो प्रोगेस्टिरोन हॉर्मोन होता है डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ए स्टीरोड हॉर्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबोलिज्म इज तो कोर्टिसोल बहुत ही जाना माना है जो कि ग्लूकोज मेटाबोलिज्म को बहुत ही अच्छे से क्या करता है रेगुलेट करता है तो ए इसका राइट आंसर है कोर्टिसोल ये क्वेश्चन ए आई पी के अंदर पूछा गया था कि केमिकली हॉर्मोन्स आर हॉर्मोन्स केमिकली होते क्या हैं तो जो बी ऑप्शन है प्रोटीन्स होते हैं स्टीरोइड्स होते हैं एंड बायोजेनिक अमाइंस होते हैं तो बी इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट ए सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ हुमैन प्लेसेंटा तो जो, right तो जो पोरोक्टिन है ये हुमैन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट नहीं किया जाता है बाकी जो सभी हैं एच हो गया ऑस्ट्रोजन हो गया प्रोगेस्टेर हो गया सब के सब सिक्रिएट किए जाते हैं तो जो बी इसका राइट right आंसर है From. Melanin, एक पिगमेंट होता है ये हमें किस से प्रोटेक्ट करता है तो, rat, blood, तो जो C, है, वो इसका राइट right आंसर है एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा मेनली विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोल दल साइकिल इन ह्यूमेन बींग्स तो जो सी एफ एस एच एल एच एस्ट्रोजन ये तीनों के तीनों कंट्रोल करते हैं साइकिल को और ये तीनों हॉर्मोन आपने जो चार्ट है मेस्टल साइकिल वाला उसके अंदर देखे भी होंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज ए मोडिफाइड अमाइनो एसिड तो जो ए है एपीनेफरिन है ये एक मोडिफाइड अमाइनो एसिड है एड्रीन डायरेक्टली अफेक्ट तो ए जो एसे नोड है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है ये इसका राइट right आंसर है एसेनोड को जो अफेक्ट करके ये क्या करता है जो ब्लड प्रेशर है उसको इनक्रीज करवाता है तो तो जो B, इसका राइट right आंसर है। ये है है एक मेजर कंपोनेंट होता होता एनिमल सेल मेम्ब्रेन के के अंदर और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिए। वो ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन यानी एल एच बी ऑप्शन इसका राइट right आंसर है हॉर्मोन्स थायरोक्सिन एडेन एंड पिगमेंट मेलेनिंग आर फॉर्मड फ्रॉम ये तीनों के टोसिन से बने हुए होते हैं तो सी इसका राइट आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन स्टेमलेट द लेट डाउन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट वेन द बेबी इज सेकिंग जो ऑक्सीटोसिन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन